प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में कहा है कि भगवान स्वामी नारायण की कृपा से वड़ताल धाम में भव्य देश शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। देश विदेश के पर्यटक भी यहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योग। कानून संशोधन विधेयक को लेकर बनी वक्फ संसदीय समिति 12 नवंबर को पटना पहुंच रही है। 13 नवंबर को बिहार सरकार और वक्फ बोर्ड से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से बातचीत करेगी और उनकी राय भी लेगी। 5 राज्यों के दौरे में आखिरी दौरा उत्तर प्रदेश का होगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए समिति का आखिरी दौरा है। इसके बाद JPC अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का असर कर्नाटक की सियासत पर भी दिखने लगा है। पीएम मोदी के आरोपों का राज्य के सीएम सिद्धरमैया ने उनको खारिज कर दिया है। कांग्रेस के आगामी महाधिवेशन में बोलते हुए सिद्धरमैया ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है कि अगर आरोप साबित हो सके तो आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने वायनाड और कोझिकोड में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रोड शो किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुल्तान बाथरी में सुबह करीब 12:30 बजे पहुंचे और वहां पर रोड शो किया। इसके बाद दोनों ही दूसरे रोड शो तिरुवनंतपुरी कोझिकोड में गए। वायनाड में हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान भी दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। हम भारी बहुमत से जीतेंगे और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड में तो विकास के नए प्रतिमान डबल इंजन की सरकार ही अब स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और हेमंत सोरेन JMM कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का कुशासन, उनका भ्रष्टाचार, उनकी वादा खिलाफी और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो घुसपैठिए बुला रखे हैं उन्होंने, उसके कारण जनता बुरी तरह नाराज है। परिवर्तन की लहर चल रही है। अब पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मिलकर NDA गठबंधन में अब आंध्र प्रदेश में विपक्षी नेता जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा, जहां जगन मोहन रेड्डी ने सीएम नायडू को लेकर कहा है कि वो लोगों को धोखा देने के लिए अपने कई अवतार दिखा रहे हैं। इनका सीप्लेन डेमो उड़ान भी इसी का हिस्सा है। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, लोगों को धोखा देने का काम नायडू ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी वो कई बार धोखा दे चुके हैं।
झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम शर्मा के बयान के एक दिन बाद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने झारखंड सरकार के बचाव में उतरे हैं। भारी बहुमत से विजयी बनाए, जय हिंद। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा यहाँ। सुभाष प्रसाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी गए आए सो गए। चलिए बरकट्ठा में क्या लगता है कि जानकी यादव की जीत होगी? बताइए वापस। सुभाष प्रसाद यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाए, जय हिंद। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा यहाँ। सुभाष प्रसाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी गए आए सो गए। चलिए बरकट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की ओर से प्रस्तावित PCS प्रारंभिक और ARO प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन और आयोग प्रशासन में खलबली मची हुई है। इसको देखते हुए आयोग के बाहर सोमवार को सुबह से ही भारी फोर्स तैनात कर दी गई। आयोग की ओर से जाने वाली सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंचा सकती है। सभी समुदाय के लिए कुंभ में प्रवेश का समर्थन कर रहे विपक्षी नेताओं की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे नेताओं के बयान जो देशहित के बजाय उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भोजन विवाद को लेकर एयर इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने कहा है कि अब फ्लाइट में उड़ान के दौरान हिंदुओं और सिखों को हलाल खाना नहीं परोसेगी। एयरलाइन के मुताबिक MOMEL मुस्लिम भोजन स्टिकर के साथ लेबल किए गए प्री बुक किए गए भोजन को विशेष भोजन यानी SPML माना जाएगा। हलाल प्रमाण पत्र केवल अपलिफ्ट किए गए MOMEL भोजन के लिए दिया जाएगा। सऊदी सेक्टरों पर सभी भोजन हलाल होंगे। हज उड़ानों सहित जेद्दा दम्मा रियाद मदीना सेक्टरों पर हलाल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज। नमस्कार।